सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक चौंकाने वाला उम्मीदवार उतार सकती है। सूत्रों की माने तो केंद्रीय मंत्री और सात बार की उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सांसद मेनका गांधी करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि इस बारे में अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। दरअसल मेनका गांधी के करनाल से पारिवारिक संबंध है। मेनका गांधी के दादा सरदार दत्तर सिंह भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद करनाल आकर ही बसे थे। दत्तर सिंह को भारत में पहले डेयरी फार्म आंदोलन के जनक के तौर पर भी जाना जाता है। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक मेनका गांधी के दादा की वहां पैतृक संपत्ति है, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने उन्हें बॉर्डर पार करने पर दी थी। सूत्रों के हवाले से ये भी दावा किया गया है कि मेनका गांधी करनाल के लिए नई नहीं है, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य आज भी वहां रहते हैं। वहीं बीजेपी भी करनाल के सांसद अश्वनी का विकल्प खोज रही है। अश्वनी मिन्ना पंजाब केसरी ग्रुप के मालिक हैं। बीजेपी हाल ही में पंजाब केसरी अखबार में प्रियंका गांधी की तारीफ में छपे आर्टिकल से खुश नहीं है। मेनका गांधी को करनाल से उम्मीदवार बनाने का फैसला अब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी के पाले में है। अगर मेनका गांधी करनाल से उम्मीदवार बनती है तो उनके बेटे वरुण गांधी को उनकी सीट पीलीभीत से उम्मीदवार बनाया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री और करनाल से विधायक मनोहर लाल खट्टर मेनका गांधी को करनाल से उम्मीदवार बनाने के लिए तैयार हैं। हालांकि मुख्यमंत्री खट्टर ने भी अभी इस मुद्दे पर आधिकारिक बयान नहीं दिया है। इससे पहले मेनका गांधी कई बार कह चुकी हैं कि वो हरियाणा के लिए बाहरी नहीं है, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य आज भी वहां रहते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 10 में से 7 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कराई थी। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल सत्य खबर। ब्यूरो रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।